नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स को दिए एक इंटरव्यू में एक बात कही, जहां उन्होंने कहा कि वे भारत में डिजिटल विभाजन नहीं होने देंगे। अप्रशिक्षित हाथों में एआई जैसी शक्तिशाली तकनीक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इससे एआई का गलत इस्तेमाल हो सकता है। अगर प्रॉपरली ट्रेन किए बिना किसी के हाथ में दे दी जाए तो वो मिसयूज होने की संभावना ज्यादा है। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने विस्तार से बताया कि कैसे भारत ने अपने नागरिकों के लाभ के लिए टेक्नोलॉजी का लोकांतिकरण किया है, जीवन में सुधार के लिए डिजिटल की शक्ति को अपनाया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि देश अपने चौथे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में काफी ग्रोथ करेगा। पीएम मोदी ने इंटरव्यू के दौरान डिजिटल डिवाइड की बात कही। उन्होंने कहा कि जब मैं डिजिटल डिवाइड की बात सुनता था तो कहता था, मैं मेरे देश में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, मैं गांवों तक डिजिटल फैसिलिटी पहुंचाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि वह बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप है। मेरे देश में मेरा यह अनुभव है कि महिलाएं नई चीजों को काफी तेजी से स्वीकार करती हैं। मैंने महिलाओं के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसके जरिए दो लक्ष्य रखे हैं। पहला, मैं भारत के गाँव में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहता हूँ, वो भी एक गरीब परिवार से। इस बात को कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने साइकोलॉजिकल चेंज पर ज्यादा जोर दिया। दूसरा, गांव में महिला मतलब भैंस चराना, गाय चराना, दूध निकालना, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं उनके हाथों में ड्रोन दे आया, लोगों को लगना चाहिए कि हमारा गांव बदल रहा है। इन दिनों जब ड्रोन दीदी से बात करता हूं, वो काफी खुश होती हैं और कहती हैं कि हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, पर आज हम पायलट बन गई हैं, ड्रोन उड़ा रही हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है लखपति दीदी और ड्रोन दीदी योजना, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ चढ़ कर उल्लेख किया है। लखपति दीदी योजना के तहत आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है। हालांकि ये लोन केवल उन्हीं महिलाओं को मिलता है जो किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप का हिस्सा है। इस पैसे का इस्तेमाल महिलाएं अपना उद्योग या दुकान खोलने के लिए यूज कर सकती है। महिलाओं के लिए खास लखपति दीदी योजना का कैलकुलेशन 4 कृषि मौसम या 1 व्यापारिक चक्र के आधार पर किया जाता है। योजना के माध्यम से महिला की आय को कम से कम 1 लाख रुपए तक पहुंचाकर परिवार के सालाना आय में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। स्कीम के तहत महिलाओं को बिजनेस ट्रेनिंग, उत्पाद को बाजार कर पहुंचाने और जरूरी कौशल की ट्रेनिंग का भी इंतजाम किया जाता है। इसके तहत पोल्ट्री फार्मिंग, एलईडी बल्ब निर्माण, खेती, मशरूम की खेती, स्ट्रॉबेरी की खेती, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, हस्तशिल्प, बकरी पालन आदि के लिए लोन दिया जा सकता है। आइए अब आपको ड्रोन दीदी योजना के बारे में बताते हैं। ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत 15 दिन की महिलाओं की ट्रेनिंग होती है। महिलाओं को 15,000 तक की सैलरी दी जाती है। 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में जुड़ी महिलाओं को 15,000 ड्रोन दिए जाते हैं। 10 से 15 गांवों में एक क्लस्टर बनाकर महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाती है। नमो ड्रोन दीदी स्कीम की शुरुआत 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसके तहत 1 लाख महिलाओं को अगले 5 सालों में प्रशिक्षित किया जाता है। इस योजना को देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए लागू किया जाएगा। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण और ड्रोन के रख रखाव के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें ड्रोन का इस्तेमाल करके अलग अलग कृषि कार्यों के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। इनमें फसलों की निगरानी और कीटनाशकों का छिड़काव और बीज बुआई शामिल है। ड्रोन दीदी स्कीम के कई फायदे होते हैं। इसके जरिए महिलाओं को सशक्त बनाना पहली प्राथमिकता है। यह स्कीम उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाती है। यह स्कीम कृषि में लगने वाली लागत में कमी ला सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले और दूसरे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए थे, उसमें हम पीछे रह गए थे क्योंकि हम गुलाम थे। ये जो चौथा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, जिसमें डिजिटल एलिमेंट सबसे बड़ा है, जिसमें अब बहुत से लोग आइडेंटिटी सिस्टम और डिजिटल पेमेंट के बारे में जानते हैं। सरकार ने सभी गवर्नमेंट पेमेंट प्रोग्राम को डिजिटलाइज कर दिया है। आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। फोर्ब्स के मुताबिक इनकी नेटवर्थ 1.31 बिलियन डॉलर, करीब 10.94 लाख करोड़ रुपए है। बिल गेट्स ने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।